जय हिंद दोस्तों, मैं संजना त्यागी आपके अपने YouTube चैनल संजना बुटीक में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये देखिए, ये मेरे पास 3 मीटर कपड़ा है जिसे पहले हम खोल लेते हैं। और सबसे ऊपर की साइड ये देखिए, ये इस तरीके से मेरे पास 3 मीटर है कपड़ा जो बचा हुआ है। सूट मैंने इसका ऑलरेडी सिल दिया है। तो ये देखिए, मैंने इसे पूरा इस तरीके से फैला लिया है और ये डबल फोल्ड है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि एक साइड से ऐसे इसे सिंगल करके और यहाँ ऊपर से हम इसकी बेल्ट निकाल लेंगे। बाकी का जो हमारी मार्किंग है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम ऊपर साइड से बेल्ट निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने बिछा लिया है। अब इसमें अपनी लेंथ लेकर हम, जो कि हमें 9 इंच बेल्ट चाहिए, ये देखिए यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं इसमें। तो ये देखिए, इसमें हमने 9 इंच का निशान लगा दिया है। और जो विड्थ है ये टोटल हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अच्छी है। अब इसे कट कर देते हैं। अब इसी कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, टोटल लेंथ हमने इसकी मेजर कर ली है और 7 इंच ऊपर साइड बेल्ट का छोड़कर हमने यहाँ तक निशान इसमें लगा लिया है। और ये हम जो सलवार की पार्ट होते हैं, जो सलवार के, वो यहाँ से कट करेंगे। अब इसके बाद कलिया कट करने के लिए पहले तो हम ये जो कपड़ा है इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए, ये मैंने पूरा कपड़ा यहाँ पर इस तरीके से ये फैला लिया है। उसके बाद अब मैं इसकी मार्किंग करूँगी। अगर आपके कपड़े का पन्हा ज़्यादा है तो आप उसे पहले ही चेक कर लें। हालांकि अगर पन्हा जो इक्वल होता है, जो नॉर्मल, उसमें सही ही बैठती है, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किधर से भी कपड़े को। लेकिन इसका थोड़ा पन्हा जो है डबल है कपड़े का। तो ये देखिए, जो सलवार के पार्ट्स हमने कट किए थे उन्हें मैंने इस पर रख लिया है। और यहाँ पर हम एक सीधा निशान बना लेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जितना हमें इसमें कपड़ा चाहिए। तो पहले यहाँ पर सीधा निशान लगा देते हैं और बाकी का कपड़ा हम छोड़ देंगे। हम वहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब इसकी जो हम कलियाँ लगाएंगे वो हम यहाँ से जोड़ेंगे इसमें सलवार में। तो हम जो मोहरियाँ होती हैं, मोहरियाँ हम इसी में कट कर लेंगे। ये देखिए, 6 इंच की मोहरियाँ हमें तैयार चाहिए, तो हम 8 इंच कर लेंगे और इस तरीके से इसे निशान लगा देंगे और इसे यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए, ये वाला जो कपड़ा है ये हमने इसका इक्वली कट कर लिया था। और इस तरीके से हमने जो सलवार के पार्ट हैं वो बराबर रख लिए हैं। जो कि हमें ये चेक करना है कि हम इसकी कलियाँ जो हैं कहाँ से कट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक हमारा ये निशान हमने तिरछा किया है, तो यहाँ से हमारी कलियाँ शुरू होंगी। तो ये देखिए, ये निशान मैंने यहाँ से शुरू करके, ये देखिए, ये यहाँ से और इस तरीके से यहाँ तक मैंने वो निशान लगा दिया है, बिल्कुल लास्ट तक। और अब इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब ये जो यहाँ से हमारे कपड़ों की बंद साइड हैं, इन्हें हम इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए, एक साइड ये वाली भी बंद है, इसे भी हम कट कर देंगे। और इन्हें इस तरीके से ऊपर नीचे रखकर एक बार सलवार के साथ अटैच करके देख लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी सलवार छट गई है। और इसमें यहाँ पर हम क्रोच एरिया का थोड़ा और ज़्यादा कट लगा देंगे। सिलाई इसकी सेम वैसी ही है जो नॉर्मल सलवार की होती है, सेम उसी मेथड से सिला जाएगा। बस जो बेल्ट की और घेर की जो प्लेट्स होती हैं वो ज़्यादा भरी जाएंगी, और किस तरीके से वो बनाई जाती हैं वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो कलियाँ हम कट करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये सलवार के जो पार्ट होते हैं भले ही उनसे इतनी छोटी हो जाएं, लेकिन बड़ी ना हो, वरना तो सारी सेटिंग ख़राब हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत छोटी भी हैं तो आपकी सलवार वाकई में बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए इसकी सिलाई शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने ये पार्ट्स सलवार के कट किए थे उन्हें साइड से, वो हमारे बंद हैं, तो उन्हें यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान बनाया था, तो इसे यहाँ से अलग कर लेते हैं।
अब इसके ये पार्ट्स और जो कलियां होती हैं उन्हें एक जगह ऐड कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से सलवार के दूसरे पार्ट को भी कली के साथ जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद बेल्ट को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से दोनों किनारियां ऐसे पकड़कर और इसे पलटकर इस तरीके से इक्वल कर लेंगे और इसमें निशान लगा लेंगे हल्का सा हमें। ये जो पोर्शन है यहाँ पर इतना हम ये खुला छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई और यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई लगा देंगे। जो सलवार का क्रोच एरिया है विद बेल्ट आपको 14 इंच रखना है। 7 इंच की हमारी बेल्ट है और 7 इंच ही आप इसमें कट कर लेंगे। अब सलवार के जो हमने पार्ट्स के अंदर कलियां ऐड कर ली हैं, एक ये और एक ये, दोनों को इस तरीके से सीधा पकड़कर, आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से उल्टे पकड़कर भी सिल सकती हैं, वरना तो मैं इसमें थोड़ी चोर सिलाई लगाती हूँ तो इसलिए पहले सीधा पकड़कर और बिल्कुल इसके किनारे किनारे एक छोटी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से एकदम से अच्छी और पक्की सिलाई इस पर हो गई है। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी सिलाई तैयार कर लेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम अपनी प्लेट्स बनाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने सलवार पर बीच में निशान लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल बैक साइड में मिडिल में निशान लगा दिया है। अब इसमें हमें जो प्लेट्स लगानी है, ये देखिए टोटल 16 इंच हमें यहाँ पर इसका निशान लगाना होगा। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे इस पर, यानी कि जो हमारा मिडिल में निशान है उससे 8 इंच इधर और 8 इंच इधर, इतना हमें ये हमारा बैक साइड में रहेगा और यहाँ से हमारी, यहाँ से और यहाँ से इस साइड जो भी इधर का कपड़ा होगा उसमें हमारी प्लेटें डलनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए पहले एक प्लेटें डाल लेते हैं, इसमें शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो हमारी सलवार की कलियाँ हैं वो इस तरीके से रखी हैं और जो हमारी बेल्ट है उसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम इसे ऐसे लगा देंगे और इसमें जो भी हमें प्लेट्स डालनी होंगी उनकी लेंथ 3 इंच कम से कम भी हमारी चुन्नट डालनी चाहिए। तो हम एक चुन्नट यहाँ पर डाल देते हैं। पहले हम बॉक्स वाली प्लेट डालेंगे जो बैक साइड में होती है प्लेट, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये दो प्लेटें मैंने ऐसे यहाँ पर डाल, अब इसे हम जो हमने 8 इंच का निशान लगाया था, ये देखिए ये यहाँ पर इसे यहाँ तक हम पूरा सिल लेंगे जहाँ तक 8 इंच का निशान था।
आप चाहें तो पहले बेल्ट को भी और जो हमारे कली वाले पार्ट हैं इन्हें भी चार जगह डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो भी मेरा बचा हुआ कपड़ा था उसमें मैंने ये 1 2 3 4 जगह ये डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से मैं कलियों में चार जगह निशान लगा लूँगी इक्वल इक्वल करके इसे, और फिर जितना पार्ट इसका निशान से निशान तक का है वो मुझे इतने ही कपड़े में ऐड करना होगा। तो इस तरीके से काफ़ी इजी रह जाता है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या आपका हाथ से कपड़ा फिसलता है या कोई दिक्कत है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और इसकी जो हमें प्लेटें डालनी हैं वो प्लेट के ऊपर प्लेट डालनी है, और कम से भी कम 3 इंच की एक प्लेट हमारी होनी ही चाहिए। तो ये देखिए जो मैंने इसमें पहला निशान लगाया है बेल्ट का, मेरा निशान ये रहा यहाँ पर इतना, और जो मैंने कली में लगाया है ये देखिए ये यहाँ से, और ये इतना कपड़ा पूरा है हमारा जिसकी मुझे इसमें प्लेटें डालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस साइड की जो हमारी प्लेटें हैं उनका रुख हम इस साइड करेंगे। ये देखिए जैसे कि ये सारी प्लेटें ऐसे हैं, तो अब हम जो प्लेटें डालेंगे वो इस तरीके से करके यहाँ पर पूरी डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो हमारी बैक साइड की प्लेट हैं वो पहले बॉक्स प्लेट पूरी कर लेते हैं। अब ये जो सिलाई है इसे ऊपर की साइड करके और उसके बाद हम इस पर इस साइड से एक प्रेसिंग स्टिच लगा देंगे। अब हम अपनी सलवार की टोटल लेंथ पहले चेक कर लेंगे जो कि हमें 38 इंच चाहिए, और ये हमारी ये देखिए बिल्कुल पूरी ही है। अब इसके बाद हम इसकी जो मोहरियाँ तैयार कर लेते हैं जो कि हम अलग से कपड़ा लगाकर तैयार करेंगे। तो चलिए अब इसका फाइनल लुक आपको तैयार करने के बाद दिखाते हैं।
अब हमारी मोहरियों का निशान लगा लेते हैं जो कि हमें 6 इंच बनानी है। ये देखिए यहाँ पर हम हल्का एक निशान लगा देते हैं। और कभी भी ये गलती ना करें, जैसे हम निशान लगाते हैं तो मोहरियाँ पहले सीधी सिलते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है हमें। मोहरियाँ सीधी इस तरीके से सिलाई हमारी तिरछी ही ले जानी है जो ऐसे सिलते हैं। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी पटियाला सलवार बनकर तैयार है। इसका फाइनल लुक आपको इस तरीके से मैं नहीं दिखा पाऊंगी, मैं अभी इसका फ़ोटो शेयर करूंगी तो उस चीज़ में आपको ये बहुत अच्छे से दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी अपने लिए पटियाला सलवार वीडियो के जरिए देखकर बना सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।